दोस्तों, साल 2009 से लेकर 2014 तक टीवी पर प्रसारित होने वाला रोमांचक सीरियल पवित्र रिश्ता अपने अलग अलग अंदाज के साथ नजर आई अभिनेत्रियों को लेकर आज भी यादगार है, जहां कुछ ने अपनी मासूमियत से तो कुछ ने अपनी साजिशों से सीरियल को मजेदार बना दिया। इसलिए तो ये अभिनेत्रियां अपने अपने किरदारों से खूब फेमस हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को ऑफ एयर हुए करीब 7 साल हो गए हैं और इन बीते 7 सालों में सीरियल में नजर आने वाली ये अभिनेत्रियाँ भी बेहद बदल गयी है, इतने ज्यादा कि शायद आप इन्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सीरियल में नजर आई ऐसी ही कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों से मिलवाएंगे, जो इन बीते सालों में बहुत बदल गई हैं। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ। नंबर 1, श्रुति कंवर। सीरियल में ओवी मानव देशमुख के किरदार में नजर आई अभिनेत्री का रियल नेम है श्रुति कंवर, जिन्होंने अपने इस किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। लेकिन इन बीते 7 सालों में ओवी के किरदार में नजर आई ये अभिनेत्री बहुत बदल गई हैं। ये 30 साल की हो गई हैं। बता दें, श्रुति अपनी 30 साल की उम्र में पहले से काफी ज्यादा गॉर्जियस और खूबसूरत दिखती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां इनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर हेयर स्टाइल में बहुत बदलाव आ गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि श्रुति पहले की तरह आज भी सिंगल लाइफ जी रही हैं और आज भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं, जिन्हें लास्ट टाइम सीरियल मेरी हानिकारक बीवी में अभिनय करते देखा गया। नंबर 2, अंकिता लोखंडे। सीरियल में मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर अर्चना का किरदार निभाया अंकिता लोखंडे ने और अपने इस किरदार से बेहद फेमस हुई। आज भी इनके इसी किरदार के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए रूप की, तो आज ये 36 साल की हो गई हैं और पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, जैसा कि इनकी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो आज पहले जैसे सिंपल नहीं बल्कि स्टाइलिश नजर आती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अंकिता आज भी पहले की तरह सिंगल हैं, लेकिन ये जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ घर बसाने वाली हैं। वहीं इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को एक्टिव रखा है, जिन्हें हाल ही में आई फिल्म बागी 3 में अभिनय करते देखा गया। नंबर 3, आशा नेगी। सीरियल में पूर्वी अर्जुन की भूमिका निभाई आशा नेगी ने, जिन्होंने सीरियल में अर्जुन की धर्मपत्नी का किरदार निभाते हुए खूब वाहवाही लूटी। लेकिन अभिनेत्री आशा नेगी बीते 7 सालों में पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई हैं और अपनी 31 साल की उम्र में ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिन्होंने अपने स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। वहीं बता दें, एक समय में अपने को स्टार ऋत्विक धनजानी के साथ रिलेशनशिप में रही अभिनेत्री आशा नेगी आज सिंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहकर करियर पर फोकस कर रही हैं, जो हमें कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म लूडो में दिखाई दी थी। नंबर 4, प्रिया मराठे। जी हाँ, अभिनेत्री प्रिया मराठे वही हैं जिन्होंने सीरियल में अर्चना की बहन वर्षा की भूमिका निभाई। लेकिन अभिनेत्री प्रिया मराठे बीते 7 सालों में बहुत बदल गई हैं। आज ये अपनी 33 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं, जो अपनी इस 33 साल की उम्र में पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, जैसा कि इनकी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो कि इतनी बदली हुई दिखाई देती हैं कि इन्हें पहली नजर में पहचानना बहुत मुश्किल है। बताते चलें कि सीरियल में वर्षा की भूमिका निभाने वाली ये अभिनेत्री वर्तमान में अपने हस्बैंड शांतनु मोघे के साथ मुंबई में रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो वर्तमान में सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। नंबर 5, स्वाति आनंद। सीरियल में मंजूषा विनोद के किरदार में नजर आई अभिनेत्री स्वाति आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने अपने इस किरदार से दर्शकों के बीच अलग छाप छोड़ी। लेकिन इन गुजरे 7 सालों में अभिनेत्री स्वाति आनंद बहुत बदल गई हैं। हालांकि आज ये पहले जितनी खूबसूरत और गॉर्जियस नहीं दिखती, लेकिन इन्हें आज भी स्टाइल में रहना बहुत पसंद है, इसलिए आज ये पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीरियल में मंजूषा के किरदार में नजर आई स्वाति आज भी सिंगल है, जिन्होंने मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हुए आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, ये थी पवित्र रिश्ता सीरियल की कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियाँ, जो बीते इन 7 सालों में बहुत बदल गई हैं। वेल, सीरियल में आपको इनमें से किस अभिनेत्री का किरदार सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।